और अब बात शराब घोटाले में। मनीष सिसोदिया पर कसते शिकंजे की, सीबीआई का लुकआउट नोटिस, सिसोदिया नहीं छोड़ सकते हैं देश। शराब घोटाले पर तकरार और बड़ी सियासी रार। सीबीआई का लुकआउट नोटिस, सिसोदिया नहीं छोड़ सकते देश। शराब घोटाले का ऐसा खेल, सिसोदिया को जाना होगा जेल। ये आम आदमी पार्टी की सरकार, ये रेवड़ी की सरकार भी है, बेवड़ी सरकार भी है। अब अपने नाम के स्पेलिंग भी शायद चेंज कर लिए हैं। अब इनका अगला आ गया है MONEY, मनी। सिसोदिया का भी आया जवाब, केजरीवाल से डरी बीजेपी का दाव। सिसोदिया पर शिकंजा, अगला नंबर किसका? मैं तो कह रहा हूं, अगर मुद्दा घोटाला होता तो आज सीबीआई बड़े बड़े जो किंग पिंस 10,000 करोड़ का घोटाला कर रहे हैं उनके यहाँ बैठे होते, मेरे यहाँ किसी के यहाँ बैठे हैं, उनको भी पता है कि घोटाला नहीं है, बैठे हैं, ठीक है। थैंक यू। शराब घोटाले का सच क्या? सवाल और सस्पेंस बाकी है। दिल्ली के शराब घोटाले पर आज बहुत बड़ा एक्शन हुआ है। इस एक्शन के बाद आम आदमी पार्टी ने डायरेक्ट प्रधानमंत्री मोदी पर टारगेट किया है। ये बड़ी खबर, शराब घोटाले में आज सीबीआई ने लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है। इस सर्कुलर से भड़के मनीष सिसोदिया ने कहा कि रेट फेल हुई है तो लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया। सिसोदिया ने पीएम मोदी पर नौटंकी करने का आरोप लगाया। शराब घोटाले में आज मनीष सिसोदिया समेत 13 आरोपियों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। लुकआउट सर्कुलर जारी होने का सीधा मतलब है कि कोई भी आरोपी देश छोड़कर कहीं नहीं जा सकेगा, यानी सिसोदिया के भी देश छोड़ने पर रोक लगा दी गई है। सीबीआई ने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ आज लुकआउट सर्कुलर जारी किया है। रिपोर्ट्स की माने तो 13 और लोगों के खिलाफ भी सर्कुलर जारी किया गया है। ये ट्वीट मनीष सिसोदिया की ओर से किया गया, जिसमें उन्होंने लिखा है कि आपकी सारी रेट फेल हो गई है, कुछ भी आपको नहीं मिला, एक पैसे की हेरा फेरी नहीं मिली, अब आपने लुकआउट सर्कुलर जारी किया है, सिसोदिया नहीं मिल रहा है क्या, ये क्या नौटंकी है, मैं खुलेआम दिल्ली में घूम रहा हूं, बताइए कि कहां आना है, क्या मैं आपको नहीं मिल रहा। मनीष सिसोदिया की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर यह हमला ट्विटर के जरिए किया गया। अब शराब घोटाले में कुल 15 नामजद आरोपी हैं, पूरा टाइमलाइन समझिए। इनमें से 2 आरोपी इस वक्त विदेश में हैं और इसीलिए 13 के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। लेकिन अगर हम कुल आरोपियों की बात करें तो 15 लोगों को आरोपी बनाया गया है, जिनमें से मुख्य आरोपी मनीष सिसोदिया को बनाया गया है। अब देखिए, 13 लोगों के खिलाफ सर्कुलर नोटिस जारी किया गया है ताकि वो जांच के बीच देश छोड़कर ना जा सकें, क्योंकि इन 15 लोगों में 2 लोग पहले से ही विदेश में मौजूद हैं। अब नोटिस जारी की खबर मिलते ही मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर हमला बोला। सिसोदिया ने लिखा कि आपकी सारी रेट फेल हो गई है, कुछ भी नहीं मिला है, एक पैसे की हेरा फेरी नहीं मिली, अब आपने लुकआउट नोटिस जारी किया, नोटिस जारी किया है, सिसोदिया मिल नहीं रहा है क्या, यह नौटंकी क्या है मोदी जी, मैं खुलेआम दिल्ली में घूम रहा हूं, बताइए कहां आना है, आपको मैं नहीं मिल रहा क्या। यह ट्वीट मनीष सिसोदिया की ओर से किया गया। दरअसल आज सीबीआई की ओर से मनीष सिसोदिया, इसके अलावा अन्य 13 लोगों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया। इसका सीधा सीधा मतलब है कि मनीष सिसोदिया, ये जो अलग 13 लोग हैं, ये देश छोड़कर जांच पूरी होने तक नहीं जा सकते। इधर मनीष सिसोदिया के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया और कहा कि चोर शोर मचा रहा है, सुनिए जरा। मैंने भी मीडिया में देखा कि मोदी जी ने मेरे खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कराया है। ये थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश के प्रधानमंत्री सुबह से शाम तक यही सोचते रहते हैं कि सीबीआई से किसको नोटिस जारी कराऊं, किसके घर रेड कराऊं, किसकी सरकार गिराऊं, किसके यहां ईडी भेजूं। देश के प्रधानमंत्री अब यही सोचने के लिए रह गए। अब मनीष सिसोदिया को नंबर 0 बना दो, अरविंद केजरीवाल को नंबर 0 बनाने की सारी साजिशें कर लो, इससे क्या होता है, इससे देश थोड़ी नंबर 1 बनेगा। ये सोचते हैं कैसे बस विपक्ष की सरकार को गिरा दो, कैसे सीबीआई का मिसयूज कर लो, कैसे ईडी का मिसयूज कर लो, कैसे किसी को नोटिस दिला दो। अब की बार तो देश की जनता लुकआउट नोटिस देगी और 2024 में देगी और पूछेगी कि बड़े बड़े वादे करके कहां चले गए,
अब देश की जनता लुकआउट करेगी 2024 में। इंडिया को नंबर वन बनाने की एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी बात कर रहे हैं और ये सुबह से शाम तक बैठ के सीबीआई ईडी किसके यहाँ भेजना है उसी पे बात करते रहते हैं। तो जो चोर होता है वही शोर मचाता है, वही आम आदमी पार्टी कर रही है। मनीष सिसोदिया जी को आदत है और आम आदमी पार्टी के नेताओं को आदत है जनता को गुमराह करने की। जो LOC खुलती है, जिसको लुकआउट सर्कुलर बोलते हैं, उसका मतलब ये नहीं होता कि आपको पुलिस ढूंढ रही है। उसका मतलब होता है कि जो आपका पार्टनर इन क्राइम था विजय नैयर, जैसे वो देश को छोड़कर चला गया, आज वो US में बैठा हुआ है, जो सारी पॉलिसी बनाने से लेकर सारा कैश कलेक्शन करने से लेकर, तो वो जैसे देश छोड़कर चला गया, वैसे जिन लोगों के नाम पर FIR हुई है, अब वो हमारे देश को छोड़कर ना चले जाएं। ये होती है LOC खुलना। तो आपको दिल्ली में नहीं ढूंढा जा रहा है, दिल्ली में जब भी आपको ढूंढना होगा पुलिस हमारी सक्षम है, आपको पकड़ लेगी। मगर LOC खुलने का मतलब होता है कि सारे एयरपोर्ट के ऊपर में एक एजेंसी द्वारा नोटिस चला जाता है कि ये व्यक्ति देश छोड़कर नहीं जाना चाहिए। अब देखिए, मनीष सिसोदिया की तरह अरविंद केजरीवाल ने भी सुबह सुबह एक ट्वीट कर मोदी सरकार पर हमला बोला है। केजरीवाल ने लिखा कि एक समय जब आम इंसान महंगाई से जूझ रहा है, करोड़ों की संख्या में युवा बेरोजगार हैं, केंद्र सरकार को सभी राज्य सरकारों के साथ मिलकर बेरोजगारी और महंगाई से लड़ना चाहिए। इंडिया TV हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया TV न्यूज़ Google Play Store या App Store पर।